गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं लोकेश और शुरू करते हैं फर्नी की जर्नी। आज शुरू करते हैं फर्नी एक्वेटिक सेंटर से। और आज कैनेडा डे है, इसलिए कुछ ना कुछ सिटी की तरफ से, हर सिटी में कुछ फ्री एक्टिविटीज़ होती हैं, और आज फर्नी एक्वेटिक सेंटर में कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो हम आने के साथ ही पहले यहाँ पर आ गए, क्योंकि जब हम फर्नी विजिटर सेंटर गए, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हें देखो प्लीज़। Started with a grandfather and a little girl more than a century ago. Yeah, for her. Yeah. Strawberry. Yeah. And mixed fruits. जी ये कहीं नहीं मिलता। तो क्या ये? बताओ पापा को। जो स्किन कलर में। Different skin colors. मल्टीपल स्किन। हम हैं माउंट फर्नी प्रोविंशियल पार्क में। बहुत साल पहले भी आए थे यहाँ पे। छोटी सी हाइक है, बेस्ट जगह है कैंपिंग करने के लिए फर्नी में, पर हम कैंपिंग तो कर नहीं रहे, हम फिर होटल में रुके हुए हैं। तो छोटी सी एक ट्रेल है, बस वही वॉक करेंगे और वापस चले जाएंगे अपने रूम पे। और थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी दिखाता हूँ आपको नदी का। देखो कितनी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है पानी की यहाँ पर। यहाँ पे सारी बाइक ट्रेल्स हैं, हाइक करने की ट्रेल्स हैं, बाइकिंग एंड हाइकिंग ट्रेल्स हैं, और कैंपिंग करने के लिए अच्छी जगह ये बना हुआ है। आपको अपना करना है, बैठना है, बैठ लो आराम से इधर। और ये पार्किंग है यहाँ पे फर्नी में, जहाँ पे हमने पीछे पार्क किया था ब्रिज के पास। और जो वहाँ पे ट्रेल्स हैं वो थोड़ा सा वॉक करे, हमने ट्रेल कुछ ज़्यादा तो वॉक करा नहीं, पर वापस आए हमें पता था कि आइलैंड लेक लॉज एक जगह है, जहाँ पे एक आइलैंड लेक है बीच में, तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो देखने जा रहे हैं। पर हमने पहले ही ये BC प्रोविंशियल पार्क के जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछा कि भाई वो वहाँ पे जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा इसी ट्रेल पे कच्ची रास्ते पे आगे चले जाओ, वहाँ पे होगा, लेकिन अगर गेट बंद है दैट मीन्स कि वो खुला नहीं है, लेकिन गेट खुला हुआ है दैट मीन्स कि हम आइलैंड लेक जा सकते हैं, है ना, गेट खुला। ये आइलैंड लेक का एंट्रेंस है इधर, उस पर लिखा है नो हंटिंग, हंटिंग हम करते भी नहीं है। तो आगे देखते हैं भाई कि ये खुला है कि नहीं, पार्किंग तो ओपन है इधर। तो ये प्राइवेट एरिया है, जो लॉज है उन्हीं की जगह है, तो अगर ये गेट बंद है, वैसे वो हमें बोल रहे थे कि संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन खुला होता है, पर आज तो खुला हुआ है, मे बी कैनेडा डे है शायद इसलिए खोल के रखा होगा। वापस जा रहे हैं हम लोग पार्किंग लॉट से आइलैंड लेक लॉज की, बिकॉज पहला वाला गेट ओपन था, लेकिन अंदर का जो गेट है वो बैरिकेड लगा हुआ था आइलैंड लेक जाने के लिए। तो अगर आप ट्रेल से पूरा वॉक करके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम क्लोज आ रहा है हमारे होटल चेक इन का, तो हम ये बाद में देखेंगे, अगर कर सके तो बाद में करेंगे, नहीं तो यहाँ। चॉपस्टिक ट्रक फर्नी में बड़ा पॉपुलर है फॉर वियतनामी स्ट्रीट फूड,
अगर फर नहीं आओ तो प्लीज ट्राई करो, आप जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो किसी तरह का मीट है उसको वेजी में कन्वर्ट कर देते हैं टोफू से, तो हमने भी टोफू वाले ऑर्डर करे जिसमें कि वेजी है सारे, तो डेफिनेटली कम एंड ट्राई चॉपस्टिक फूड ट्रक। बड़ी कूल सी लोकेशन है, हाईवे के एकदम साथ में। ये हमारा रूम है फर्नी में, काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम है, दो बेड्स हैं इधर, टीवी लगा हुआ है, अच्छी सी पेंटिंग भी है और क्या अम्यूनिटीज़ हैं यहाँ पे, ये चेयर हैं, ये फ्रिज रखी है, फ्रिज रखा है सॉरी, और माइक्रोवेव है, कॉफी मशीन है, एसी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, 27 डिग्री टेम्परेचर है। और ये वॉशरूम है अंदर, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, बहुत बढ़िया। ये booking.com से कराया और विद टैक्स हुआ है हमको 2 nights का $400। हाँ, so 200 पर नाइट है। हाँ, so 200 पर नाइट है। चीप पर ये बहुत अच्छा रूम है। Like honestly इतने छोटे टाउन में और अब इतना बिजी सीजन है, इतना अच्छा रूम मिल गया तो बहुत सही है। मतलब ऑनेस्टली कई बार अच्छे अच्छे होटल से बुक कराते हैं, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स पे कराते हैं तो इतना अच्छा नहीं होते। हाँ, आजकल मेन चीज आफ्टर कोविड मेन चीज है क्लीनलीनेस, वो होना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा रूम है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, देखो पीछे वुड का ये पीछे जो लगा हुआ है कितना कूल लग रहा है, मतलब बेड के साथ की बेड व्हाइट शीट्स है सारी क्लीन एकदम। और ये जो स्कर्ट है ना, बेड स्कर्ट आधी से ज्यादा जगह, आप चाहे कितना भी अच्छा होटल कराओ वो डर्टी होती है, उसमें लिंट होता है। ओह या, पर ये बिल्कुल क्लीन है, अच्छा रूम है। और फिर व्यू है, व्यू हाँ, बाहर से व्यू है हमारा, ये देखो पूरा माउंटेन व्यू है। सुबह सुबह अपनी चेयर बाहर लाके बैठेंगे। तो ये रूम है, अंदर सामान लाते हैं कार से और फिर से बाहर घूमने चलते हैं। ये कितना कूल चीज है जी, ओल्ड स्टाइल वाला, ये पहले ऐसे ही फोन होते थे पता है इनके बाहर। तो मैंने उससे पूछा कि ये बाइक्स हैं, क्या रेंट है उसका, कहते नहीं जो भी हमारे गेस्ट हैं मतलब जो यहाँ स्टे कर रहे हैं उनके लिए फ्री है। बस रजिस्टर में एंट्री करो और कुछ रेंट नहीं देना आपको। और बाइक्स बहुत अच्छी हैं, बाहर में देखिए बहुत अच्छी बाइक्स हैं सारी। मैंने उससे पूछा कि बाइक तो हमारे पास है, दो बाइक है तो हम यहाँ पे लगा दें स्टैंड पे लॉक करके, तो कह रही अगर आपको रूम मिलता लगा दो। तो मैंने उसको बोला मैं इसलिए वरीड हूँ क्योंकि हमारी बाइक बहुत एक्सपेंसिव है, कहते आई टोटली अंडरस्टैंड मेरी बहुत एक्सपेंसिव है, कहते अगर जगह ना मिले रूम के अंदर लगा दो। ट्रेल कौन सी है, एल्क वैली ट्रेल, जिस पे हम यहां पे लिखा ना पता है ना, जो ब्रिज है वो नीचे है। हां, उधर नीचे एल्क रिवर है ना, इधर ये नीचे एल्क रिवर है इधर। सो दिस कोल क्रीक हेडेड ट्रेल इज पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेल जो ट्रांस कनाडा ट्रेल है। जी हां, ये ट्रांस कनाडा ट्रेल पे हम आज मैं और जी बाइक करते हुए इधर आ गए हैं। वहाँ पे वो ब्लैक वाली बिल्डिंग है।